हाय, वेलकम टू मेट्रो MGF। आज हम ताहिर भाई के साथ में HKSS गोट फार्म पर, ये वन ऑफ द बेस्ट फार्म है इन पुणे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 का इनका फर्स्ट ईयर था और हमारे चैनल थ्रू यूट्यूब पर आए थे। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। वालेकुम अस्सलाम ताहिर भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई, 2019 के बाद से आपके वीडियोस आए नहीं हमारे चैनल पर। नहीं, उसका रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई 2019 में जो काम हुआ हमारे तरफ से और जो लोगों ने हमको सपोर्ट किया, तो उसके हिसाब से तो हमको ऐसा लगा नहीं कि कोई शूट करे या क्या करे। इस वजह से जो रिस्पॉन्स जो हमको मिल रहा था दो साल से अभी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा ही मिल रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह। वो फर्स्ट ईयर में आपके कुछ 8 से 9 बकरे थे जो बड़े थे, उसमें कुछ भरे के थे। हाँ, उसमें से भाई फीडपिंग पे हैवी वेट थे। हाँ, उसमें भाई 4 बकरे थे भराई पे, उसके बाद में और उसके बाद में 4 से 5 और सेल फीडिंग पर थे, और जो भराई के थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सोल्ड भी हो गए और रिजल्ट भी अच्छा दिए उन्होंने एज अ पहला साल जो हमने फार्म स्टार्ट किए थे उसके हिसाब से। तो वो हिसाब से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पांस मिला और जो ट्रेडिंग के माल में भी रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के हिसाब से भी बहुत अच्छा मिला। अच्छा, हाँ, ट्रेडिंग भी करते हैं जी, पहले ही भी करते हैं और ईयर के एंड में जैसे ईद के टाइम पे बड़े बकरे भी लॉन्च करते भाई। तो ये आने वाला जो सीजन है, अभी जो ईद आएगी जी, तो इसमें आपकी क्या तैयारी है भाई? अल्लाह का एहसान है भाई, कम से कम 7 से 8 बकरे इंशाल्लाह ये साल हमारे लॉन्च हो गए जी। हाँ, और उसमें हमारे पास एक खूबसूरत नायाब चीज़ भी है जी। और उसके बाद में इंशाल्लाह हम एक कुछ बड़ी चीज़ दिखाएंगे पूना में इंशाल्लाह ये साल, और ये साल इंशाल्लाह वो बड़ी चीज़ भी दिखाएंगे। ये बोलने की बात है भाई, इसलिए बोल रहे कि वो लेवल की मेहनत ले रहे हम लोग, वो लेवल पे जाके वो लेवल की मेहनत करा रहे, इसलिए भाई इंशाल्लाह जी जी इंशाल्लाह पुणे में हैवीएस्ट रहेंगे और एक बहुत खूबसूरत चीज आएंगी, एक कोटा में आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, प्रिपेयर्ड इन पुणे, ऐसा नहीं रहेगा कि भाई भोपाल से आया, MP से आया, फलाना, वो कुछ नहीं रहेगा। प्रॉपर पुणे सेट और पुणे में ही बकरे बन रहे अभी फिलहाल। तो ये बहुत अच्छी बात है पुणे के लिए कि पुणे की जो बकरेबाजी का लेवल है और जो शौक चल रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा जी इंशाल्लाह। देखते आते साल में कैसा होता है आने वाले सीजन में जो ईद आएगी इंशाल्लाह 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 भाई। आज ये वीडियो में क्या देख रहे हैं हम भाई? एक हंसा है एक हमारे दोस्त है हर्षद भाई जी, उनका बकरा मेरे इधर यहाँ पर मेरे पास पलाई पर है, तो उनको वो सोल्ड करना है, इसलिए वो हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। हर्षद भाई के पिछले 1-1.5 महीने पहले हमने शूट किए थे बकरे जी, जी, जी। थे और हंसा के बच्चे वगैरह थे और एक यमनी भी था उसमें, तो वो टाइम पे हमने बताया थे कि एक बड़ा बकरा वो और आगे सेल के लिए निकालेंगे जी जी। तो ये वही बकरा है? हाँ भाई, ये बकरा तो वही है। पहले क्या करते हैं, बकरा देख लेते इंशाल्लाह, पूरी डिटेल्स लेते इंशाल्लाह इंशाल्लाह। गली में शोर उसका माशाअल्लाह,
जेपी हंसा है ना जी भाई, तो ये अरशद भाई का बकरा है आपके पास पहले पर है। जी भाई, जी भाई। ये क्या डिटेल्स पर रहेगा अभी भैया? 38-39 हाइट होगी जी, और 6,000 तो पूरे हो गए वे, और 73-75 तकरीबन वेट है। और अभी जस्ट तो इसका एज के हिसाब से, एज के हिसाब से वेट कम है भाई। जब बकरा आया था शेफी भाई, तो बकरे ने थोड़ी बहुत दिक्कत दिया था जो हमको, हाँ, सेट होने में, सेट होने में तकलीफ दिया था करके हम थोड़े वेट गेनिंग में या यहाँ के माहौल में और फार्म पे सेट होने के लिए थोड़ा टाइम। अभी ये पुणे में कब से है आपके पास? ये कम से कम भाई अभी आके 4 महीने हो रहे भाई, 4 महीने बकरे को, हाँ, 1.5 से 2 महीना तो इसने सेट होने के लिए लिया भाई पूरा। लोग बोलते हैं कि 1-2 हफ्ते में जानवर सेट हो जाए भाई, लोग बोलने के लिए बोलते 2 दिन में भी सेट होगा, 1 महीने में भी सेट होगा। जो फार्म चलाता है, जिसके पास बकरा पलाई पे आता है, वो उसके पीछे क्या मेहनत करता है वो उसको ही सही है, मतलब बोलने के लिए बोल देंगे लेकिन जो करता है उसको समझता है। जी भाई, बकरा 6 दांत पर है, 38-39 की हाइट है और 72-73 केजी वेट है। और एक बात शेफी भाई, ये बोलूँगा, अभी रिसेंटली न्यू मंथ तो स्टार्ट हो गया हुआ है, न्यू मंथ में इनके हमारे टाइमिंग के हिसाब से और फार्म के थोड़े रूल्स के हिसाब से तो अभी इनकी डीवॉर्मिंग हो गई है। अगर और इसमें थोड़ा 2-5 किलो जो कुछ भी माइनस आएगा तो वो आएगा, क्योंकि भाई पहले बोल के क्लियर कर रहे हैं। मतलब जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे आप उनको पर्सनली वेट का वीडियो सेंड करो, तो उसका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो पूरा कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएंगे। जी भाई, ओके। और अभी ये सेल के लिए है ना? ये सेल के लिए भाई, तो इसके लिए कॉन्टेक्ट अरशद भाई से करना पड़ेगा। अरशद भाई से, हाँ हाँ भाई, अरशद भाई का नंबर हम स्क्रीन पर दे देंगे इंशाल्लाह, तो जो भी भाई इंटरेस्टेड रहेगा वो अरशद भाई को कांटेक्ट करेंगे। जी जी, हम अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा खोलते हैं और व्यूवर्स को चलाकर दिखाएंगे। जी जी जी, छोड़ दो भाई बकरे को, मस्ती करता है। अरे भाई बहुत मस्ती करता भाई, एग्रेसिव है। अंडू बकरों की खासियत है भाई, उसके बगैर उसमें मजा भी नहीं है, मजा भी नहीं है। माशाल्लाह लेंथ बहुत अच्छी, जब वो बंधा हुआ था जब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसकी एग्जैक्ट लेंथ समझ में आ रही है माशाल्लाह। जी भाई, बकरा खुर वगैरह में पूरा गुलाबी है, नोज पूरी पिंक है जी, और सिंग में भी है कलर थोड़ा, सिंग में भी थोड़ा। प्योर हंसे में आएगा भाई? सब बोलते नहीं आता इसको कि प्योर हंसा है भाई, आप फार्म चला रहे आपको इतना तो मतलब मेरे हिसाब से नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई कि प्योर हंसा तो बोलेंगे नहीं इसको, जेपी हंसा ही बोलेंगे। ओके, क्योंकि प्योर हंसा की जो पहचान आती स्पॉटलेस आता, दूसरी बात मार्बल सिक्के आते उसके, पूरा वाइट आएगा, पूरा गुलाबी आएगा भाई। छोड़ दो ना, थोड़ा उसको मारेगा भाई, थोड़ा सा संभालो। माशाल्लाह बकरा बहुत अच्छा है और बहुत एक्टिव है, सेल फीडिंग जानवर की खास बात है ये। जी इसको अभी थोड़ा सा बांध देते। जी जी जी, ताहिर भाई एक क्वेश्चन आपसे ये था। जी भाई, जो बकरे तैयार हो रहे हैं आपके, जी तो जी, ये इनपू ने कहा है, ये इनपू फार्म पर मुझे दिख नहीं रहे जी, ये फार्म पे तो कुछ नहीं है, ये फार्म पे सिर्फ पलाई और जो ट्रेडिंग का माल है उतना ही है अभी फिलहाल यहाँ पे। जो फर्स्ट टाइम 2019 में किए हुए थे वो ये साल दोहराए नहीं भाई यहाँ पे। जी जी, क्योंकि डिस्टर्बेंस है, क्योंकि वो बकरे फिर ये उधर गया ये उधर जाने डिस्टर्बेंस की वजह से इधर कुछ किए नहीं। ये अपने कोंडवा में ही बकरे अपने तैयार हो रहे हैं। ओके, ये अपने वो हमारे भाई है अमीन भाई जी, हाँ, उनके यहाँ पे बकरे तैयार हो रहे हैं अभी ये साल। इन पुणे ही है अमीन भाई के बकरे तैयार हो रहे हैं कोंडवा में। कोंडवा में जी। ओके, तो इंशाल्लाह आते समय हम विटनेस करेंगे सारे बकरे इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि अच्छे बकरे रहे, लोगों को पसंद आए हमारे व्यूवर्स को इंशाल्लाह। भाई इस साल का फीडबैक कैसा है? कोशिश तो भाई पूरी है और मेहनत भी पूरी है भाई जी, बस अल्लाह कामयाब करे। बेशक मेहनत करने वाले को अल्लाह कामयाब करे। जी जी, अरशद भाई का नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, जी भाई, इज इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट ऑन गिवन नंबर। ठीक है भाई, ओके भाई, नेक्स्ट वीडियो में जी, अल्लाह हाफिज़।